हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की आपकी वैकेंसी निकली है, जो कि असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसी निकली है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। बात करते हैं इस वैकेंसी की, इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो उसका आप दे सकते हैं PSTCL का आपका ऑप्शन नोटिफिकेशन है। यहाँ अपनी डिंग आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आपको देखिए 9/12/2020 से 10 बजे स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपको कंप्लीट करने की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टेप वन एंड स्टेप टू, जो कि 31/12/2020 है। शाम को 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये द लास्ट डेट ओवर डिपॉजिट ऑफ फीस आपको करने की है। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसकी फीस रह जाती है, तो उसकी 4/1/2021 आ रही है, ठीक है, अप टू क्लोजिंग बैंक बैंकिंग बिजनेस आवर, ठीक है। तो ये आपका लास्ट आपका स्टेप रहेगा, स्टेप 3, क्योंकि आपका पेमेंट करने का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी दे सकते हैं, आपकी पोस्टल कोड लिखा हुआ असिस्टेंट लाइनमैन की ALM की 350 पोस्ट है, जिसमें आपका बेसिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पंजाबी आपको पास आप पास होना चाहिए, वाजिब मैट्रिक आपका हाई स्कूल होना चाहिए, इट्स इक्विवेलेंट लेवल एंड फुल टाइम रेगुलर ITI कोर्स होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। पे स्केल पेस्ट फॉर ऑन द पोस्ट सेल नॉट बी हायर देन पे स्केल एडमिसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, जो उसकी जानकारी है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पंजाबी में नोट दे रखा है, वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नॉलेज ऑफ पंजाबी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नॉलेज होनी चाहिए पंजाबी में, ठीक है। तो यहाँ रिलैक्सेबल है, जो कि सिख माइग्रेंट है, 1984 राइट अफेक्टेड है, उनके बारे में आ रहा है। रिलैक्सेबल इन एज लिमिट फॉर कैंडिडेट ऑफ पंजाब डोमिसाइल ओनली, ठीक है। तो आपको जो छूट मिलेगी, आपको SST में सिर्फ पंजाबी लोग हैं उन्हीं को ही मिलेगी, ठीक है। बाकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं, रिजर्वेशन कैंडिडेट पोस्ट की यहाँ पे आपको जानकारी है वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में आ रहा है, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर करें, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बोर्ड कैंडिडेट वो फेल डू टू सो सेल नॉट बी कंसिडर, जो फेल है उनके बारे में नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी रिटन टेस्ट इंटरव्यू नहीं होंगे। पोस्ट असिस्टेंट लाइनमैन के मेरिट सेल भी प्रिपेयर प्योरली बेसिस और आपके मार्क जो ऑप्टेन है ITI के ओनली के बेस पे किए जाएंगे, ठीक है। आपके जो रिकॉर्ड है उसी के अनुसार यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए हाउ टू अप्लाई के बारे में, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं वो जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। फोटो साइज के बारे में बता रखा है, एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम चलते हैं किस तरीके से आवेदन करेंगे। देखिए रिक्रूटमेंट पे आप सबसे पहले देख जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पोस्ट आ रही है, अप्लाई ऑनलाइन करने को आ रहा है, तो यहाँ से आपको जो नोटिफिकेशन वो डाउनलोड करने को मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो इस पर मैंने क्लिक किया। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ओपनिंग डेट मिल जाएगी, अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो रजिस्टर है वो कैंडिडेट यहाँ से जा सकते हैं या यहाँ से, ठीक है। जिन उन्होंने आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं उसको सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाए, एक बार आप जरूर चेक कर लें इन्फॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई के बारे में पढ़ लें, अगर आपने नोटिफिकेशन में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप पूरी जानकारी एक बार रीड कर लें, ठीक है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दें, इस तरीके से सारी जानकारी दिए, हेल्प डेस्क नंबर दे, ईमेल आईडी दे रखिए, तो इस पर आप जानकारी, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं एक्टिव आफ्टर मिनिमम 48 आवर सबमिशन एप्लीकेशन ऑन वंस SB कलेक्ट स्टेट बैंक पोर्टल इज ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देख सकते हैं इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो पोस्ट है उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे आपको OTP आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं, तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए एडवर्टाइज नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी पोस्ट है उसको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ रहा है, देखिए आपको OTP मिलेगा, ठीक है, OTP वैलिड फॉर 15 मिनट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जाना है, कैप्चा फिल करके जनरेट OTP यहाँ पे आपको कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे OTP टाइम चल रहा है, ठीक है। वेरीफाई OTP आप लोग करना है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं OTP डालता हूँ, तो जैसे ही फ्रेंड मैंने आप देख सकते हैं मैंने वेरीफाई OTP किया, तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली आ रहा है। यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे करना है आपको, इस तरीके से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो फ्रेंड देख सकते हैं, जैसे मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लिखा रहा है, यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो नाउ यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट, क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी फोन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, यहाँ पे पासवर्ड है जो आपने ईमेल आईडी में रखा था वो, यहाँ पे आपको जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आप पासवर्ड सिंपली अपना कैसे भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको अल्फा न्यूमेरिक इस तरीके से नहीं रखना है, सिंपली आप जो चाहें वैसा पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाला तो मेरा लॉगिन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन, अपलोड योर डॉक्यूमेंट, फोटो सिग्नेचर आ रहा है, ठीक है। आप रिव्यू देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे आपको आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नाम, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट, आपको डोमिसाइल पंजाब का आ रहा है, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि वैकेंसी हमारी पंजाब के लिए है, ठीक है। कैटेगरी आ रही है तो नॉलेज ऑफ पंजाब यस या नो कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू सर्विंग रेगुलर, आपको एम्प्लॉई हैं तो इसके बारे में यस या नो कर सकते हैं। जैसे यस करेंगे तो आपको सर्विस आपको बताना पड़ेगा कि आपने कब इसके सर्विस रिटायर्डेंडेड एट PSTCL PSPCL, तो आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में, आपको डेट आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब जानकारी देने के बाद यहाँ पे आपको फादर नेम आ रहा है, जेंडर बताना है, ठीक है, शादीशुदा है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपना आपका एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा है, वो यहाँ पे अपलोड करना है। जिस स्टेट से है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सिटी, टाउन, इसी तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देना। अगर सेम है पूरी डिटेल भरने के बाद, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसके बाद देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन डिटेल आ रहा है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो आपने जो कोर्स किया उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। जिस टाइप फुल टाइम ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में या फिर वायरमैन के ट्रेड में, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग, अपलोड मार्क, आप यहाँ मार्क आपको जो अपटेन किए थे वो, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोर्ड का नाम, मैक्सिमम आपका जो मार्क्स थे वो, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन मार्क्स जो आपके हाई स्कूल में तो बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज मार्क अपटेन आपको करने पड़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको करने के बाद अपलोड, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर है वो करना पड़ेगा, फाइनल प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको SBI चालान का आपको करना पड़ेगा, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मैंने जानकारी बता दी, बेसिक आपको बता दिया, ठीक है। बाकी में कुछ रह नहीं जाता है, इसलिए मैं आगे डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आपके जो फॉर्म भरने की जो प्रॉब्लम है उसको मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। अपनी डिटेल आपको शेयर करनी पड़ेगी हमारी ईमेल आईडी learningtime1988@gmail.com पर, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने बता दी है फ्रेंड, आपके जो इंपॉर्टेंट लिंक हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।